फ्रॉम महर्षि मार्कंडेश्वर डीम्ड यूनिवर्सिटी हरियाणा। तो आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि आप सब जानते ही हो कि आप लोग का एग्जाम कल होने वाला है, जो 9 तारीख को एग्जाम होने वाला है। ये एग्जाम उन्हीं बच्चों के लिए हो रहा है जो भी बच्चे अपने जो हम MMD यूनिवर्सिटी में हम एडमिशन लेने वाले हैं, और उनका हम आज वो बात करेंगे कि कौन कौन से बच्चे एग्जाम देंगे, किन किन के लिए एप्लीकेबल है और किन किन बच्चों के लिए एप्लीकेबल नहीं है। और वो वैसे बच्चे जो, ये भी क्वेश्चन आ रहा था कि वैसे बच्चे जो अभी मतलब 9 तारीख के बाद एडमिशन लेंगे, ठीक है, तो उनके लिए क्या प्रोसीजर रहेगा, और जो पेमेंट नहीं किए हैं उनके लिए क्या प्रोसीजर रहेगा। तो सारी बातों पर टॉपिक पर हम बात करेंगे। तो आप मेरे वीडियो पर शुरू से अंत तक बने रहो, आपको सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि देखिए, सबसे पहले ये तो यूनिवर्सिटी के द्वारा आपको एक मेल, आपके गिवन जो भी रजिस्टर आप किए होंगे, जो भी मेल दिए होंगे, उस पर तो ये इन्फॉर्मेशन सारा चीज़ भेज दिया गया होगा, और आप एक लिंक भी शेयर किया गया होगा। सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको सबसे पहले आज क्या करना है कि आपको चेक कर लेना है कि आपका जो आपका मेल है उस पर आपको जो लिंक दिया गया है उस पर आप अपना डालोगे अपना यूज़र आई डी एंड पासवर्ड, और चेक कर लेना है कि वो ओपन हो रहा है या नहीं हो रहा है। और ये चार कैटेगरी में बांटा गया है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 और कैटेगरी 4। और जो भी कैटेगरी 4 के हैं, यानी कि उसमें बीटेक बायोटेक को छोड़कर सारे कोर्स को एग्ज़ाम देना है 10 तारीख को, और जो कल एग्ज़ाम होगा 9 तारीख की यानी 9 तारीख को, वो आपको BCA, BBA, BSc, HM और सारे कोर्स को। और इसमें क्या करना है आप चेक कर लो, और 9 से 10 बजे और टाइम डिवाइड कर दिया गया होगा, आप उसमें जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। और बाकी जो है ये एग्ज़ाम MBA और MCA के लिए नहीं होगा। ये भी क्वेश्चन है कि अगर मान लो कि इस एग्ज़ाम में हम पास नहीं होते हैं तो क्या होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये एक मैंडेटरी एग्ज़ाम देना। और जिनका भी पेमेंट हो चुका है, और ये भी बात है कि पेमेंट जो किए हैं और जो पेमेंट किए वही एग्ज़ाम दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो पेमेंट नहीं किए हैं उनको भी एग्ज़ाम ये देना है, और बोनाफाइड जो इसके बाद ही कटेगा, और एग्ज़ाम से कोई दिक्कत नहीं, एग्ज़ाम आपके ऑनलाइन, फुली ऑनलाइन प्रोसेस है, तो आप जाके एग्ज़ाम दे सकते हो ऑनलाइन। और क्या करना, आपको 4-5 फोन रख लेना अपने पास, और ऑनलाइन तो है एग्ज़ाम कोई दिक्कत नहीं है, आप 4-5 फोन रखो, एक वो क्वेश्चन सर्च करेगा, एक वो क्वेश्चन सर्च करेगा, आप टिक कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, एग्ज़ाम से कोई गड़बड़ आपको हड़बड़ाना नहीं है। तो ये सारा प्रोसेस है, तो इससे कोई डरना नहीं है, एग्ज़ाम से कोई डरना नहीं है, एक मैंडेटरी है एडमिशन के लिए। तो आपको आशा करता हूँ कि आपको मेरे वीडियो से बहुत सारा हेल्प मिलेगा, और आपको समझ में भी आया होगा कैसे एग्ज़ाम देना, और एग्ज़ाम से आपको गड़बड़ाना नहीं है, आप एग्ज़ाम अच्छे तरीके से दीजिए, और ऑनलाइन प्रोसेस है तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, और सबके लिए एप्लीकेबल है, बशर्ते MBA और MCA को छोड़कर। थैंक यू।